कैथल में बालाजी कॉलोनी में मिठाई के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ी, जहां काफी मात्रा में सड़ी हुई मिठाइयां बरामद हुई। मिठाइयों के ड्रमों में भारी मात्रा में मक्खी मच्छर भी मिले। अधिकारियों ने मौके पर सैंपल लिए। जानकारी के अनुसार गोदाम के मालिक के पास किसी तरह का कोई भी मिठाई बनाने का लाइसेंस नहीं था, जिसके लिए विभाग ने उसे 15 दिन का नोटिस दिया है। 3 सैंपल ले लिए हैं और मौके पर खराब माल को नष्ट करवा दिया गया है। ये आज ग्रेड जॉइंट ट्रेड एसएम फ्लाइंग के साथ में इसकी शिकायत मिली थी पहले भी कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गंदा सामान बनाया जा रहा है। चेक किया, 3 सैंपल लिए गए हैं। 3 सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में एज पर एक्ट कार्रवाई आगे की जाएगी। अभी ऑन स्पॉट जो हमें चीज़ खराब मिली है वो मैं अभी डस्टबिन करवा ही रहा हूँ उसको साथ साथ। किस किस के सैंपल लिए गए हैं जी? इसका एक खोया बर्फी है, रसगुल्ला है और एक रसमलाई टिक्की, ये 3 सैंपल अभी लिए हैं इसके। फर्म का कोई फर्म रजिस्टर्ड है या फर्म का कोई नाम? ऑन स्पॉट तो ये कुछ भी मालिक ही नहीं है अभी इसका, और ना ही ये कुछ बता पाए, ना कोई क्या नाम हलवाई है क्या है वो भी कुछ नहीं बता पाए इसके वर्कर। बाकी इसका बंदा वो आ ही रहा है ओनर, उसके सामने सारा सामान डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा जो भी खराब। कब से इसको डॉक्यूमेंट वगैरह है इसके, लाइसेंस वगैरह कोई नहीं सर? अभी ओपनली चला जा रहा है सर। हाँ बस छोटा सा काम है सर, अपने लिए कर रखा है बस। ज़्यादा फाइन मेरे को साल हुआ है सर। कहाँ कहाँ सप्लाई कर रहे हैं इसकी? मैं तो कई गाँवों में है, छोटे मोटे चाय वगैरह खोखे हैं, छोटे मोटे गाँव की दुकान उन पर। तो आज मिल रही है, अभी मिलावटी जो बनाई जा रही है, मतलब इस प्रकार का आरोप है, क्या कहना आपका? नहीं मेरे ऊपर कोई बताओ कौन कर रहा है सर। असीएम फ्लाइंग की रेड जो है सर, आपकी बात सर ठीक है, आपके पास कंप्लेंट तो आई होगी सर, ये बताओ किसने करी है, क्या करी है बताओ, वो तो खिला के देखो आप मेरी मिठाई किसी को। नहीं सर, हाँ जी सर बोलो। मिठाई जो है वो हाँ बिल्कुल सर, राग घी है, फॉर्चून का घी है, डेली दूध में सामान बनता है जी, आप चेक कर सकते हो।